सभी को नमस्कार साथियों, आरएसपीसीबी जेएसओ जेई एग्जाम के पार्ट ए के मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सफिशिएंट वीडियोस आपको बना करके दिए हैं। इसके अलावा बहुत लंबे समय से मेरे छोटे बड़े भाई बहन मुझे पार्ट बी के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं कि सर आप पार्ट बी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि पार्ट बी के अंदर हम लोगों को किस चीज पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए और इतना वास्ट सिलेबस होते हुए हमको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग मैं पूरा का पूरा इस पार्ट बी का डिस्कशन करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि पार्ट बी के अंदर हम लोगों को किस तरह से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स जो है उनको आपको एक बार का कवर कर लेना चाहिए। किसके रिगार्डिंग, रीजनिंग मैथ्स में कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए, राजस्थान जीके में कौन से करने चाहिए, करंट अफेयर्स का क्या करना चाहिए, उन सब की बात हमको करनी है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। जो हमारा सिलेबस है वो क्या कहता है, हमारा सिलेबस सबसे पहले बात करता है जनरल नॉलेज की और जनरल नॉलेज को ये स्पेसिफाई कर रहा है विद स्पेशल रेफरेंस किसका, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी, किसकी, राजस्थान के रेस्पेक्ट में। तो जनरल नॉलेज किसकी चाहिए हमको, राजस्थान की चाहिए पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी और बोल रहा है कि करंट अफेयर्स भी हमारे को आएंगे। तो हमारे पास मेनली चार चीजें हो गई है, एक तो राजस्थान का जीके, एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक करंट अफेयर्स। यही सिलेबस आपके जेएसओ में भी है, यही सिलेबस आपके जेईई में भी है और यही सिलेबस जो आपका लॉ ऑफिसर सेकंड के लिए भी यही सिलेबस है। अब हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं राजस्थान का जनरल नॉलेज में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी वगैरह है। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक जो है आ जाते हैं, तो हमको स्पेशली कौन से टॉपिक्स के ऊपर जोर देना है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में दो टॉपिक, एक तो राजस्थान का स्थिति विस्तार, एक आएगा टॉपिक हमारा भौगोलिक विभाजन। दो टॉपिक हमको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर पढ़ने, फिर आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। वैसे तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर बहुत लंबे समय से हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग अगर आप लोग देखो तो गुजर प्रतिहार से आपको स्टार्ट करना है और जब तक राजस्थान का एकीकरण है 1956 तक, वहां तक का आपको पढ़ना चाहिए। पर क्योंकि आप आपके पास में इतना समय है नहीं कि आप इतना बड़ा सिलेबस आप कर सको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़े। वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो मैंने करंट अफेयर्स की ईबुक दे रखी है वहां पे ही उसी कोर्स के अंदर आज 20% का डिस्काउंट भी है। आज 5 तारीख के दिन 20% का डिस्काउंट दे रखा है। इन लोगों को मैंने स्पेशली बोला है कि आप लोग कोर्स जो है अभी मेजर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उस चीज को करो और वहां पे आप लोग मात्र शायद 99% लगभग 80 रुपए के अंदर आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, राजस्थान जीके भी मिल जाएगी, मैथ्स भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ उस कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो वहां पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 135 या 136 पेज की पीडीएफ होगी। आपको कुछ नहीं करना है, डेली का एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी एग्जाम तक आते आते तो राजस्थान जीके भी कवर हो जाएगी, करंट अफेयर्स भी मंथ वाइज दे रखी है, सब कुछ है उसके अंदर, बात कर देख लेना उसको। अब देखो यहां पे हिस्ट्री की बात हम लोगों ने करी वन लाइनर। अब इसके अंदर मैंने बताई दिया आपको शुरू से एंड तक का पढ़ना चाहिए और उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आपको एक बार के करने चाहिए। अब आती है राजस्थान का जो जो आपका बाकी का है आर्ट, कल्चर वगैरह, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आएंगे। एक तो मेले, एक रीति रिवाज, एक आ जाएगी चित्रकला,
एक आ जाएगी चित्र शैली, एक आ जाएगा लोक नृत्य, एक आ जाएगा नाटक, ख्याल, लोक वाद्य यंत्र और आ जाएगा हस्तकला, हस्तकला, आभूषण, भाषा बोलियां, साहित्य दर्शन, लोक गीत, लोक नाटक, लोक गायन, ये महत्वपूर्ण आपको रहना पड़ेगा। ये आपका मेनली राजस्थान जीके जो है इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन सबके ही क्वेश्चंस उसके अंदर टॉपिक वाइज है, पिछले साल जिस भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए थे वो सब कुछ दे दिया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर वो एक जो आप आजकल पुस्तक चल रही है नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान का क्या करें सर, नवीन राजस्थान की बुक परचेज करें क्या? तो आप इंटरनेट पर जाकर के नवीन राजस्थान लिखोगे ना तो उसके नाम से आपको पूरे के पूरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको पूरा राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन ही मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राजस्थान के अंदर हुआ क्या विभाजन ही तो हुआ है ना, उसके अंदर भी 10 नए संभाग बने हैं, जो 50-51 जिले बने हैं उनका विभाजन ही तो देखना है ना आपको। तो किस दिन बना है ये और कितने बने हैं वो संभाग कौन कौन से, बस इसकी जानकारी चाहिए, एक पेज के ऊपर उतारोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर इतना बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ्स के जो टॉपिक है वो परसों के दिन भैया उस वाली कोर्स के अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर हर एक टॉपिक के 10-10 टाइप के क्वेश्चंस आपको दे देंगे रीजनिंग के, मैथ्स के। अब वो 10-10 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से कोई ना कोई तो बैठ ही जाएगा रीजनिंग और मैथ्स में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे है कि आपको आपको मेरिट में भी ऊपर ले जा सकते हैं। मैंने पहले बताया कि एक क्वेश्चन गलत हुआ 140 बच्चों से पीछे चल जाओगे। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, रैंकिंग के क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी का टेस्ट, कोडिंग इनइक्वालिटी, डायरेक्शन के टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। आप चाहो तो इनके टॉपिक्स बाहर से किसी भी जो यूट्यूब है वहां पे जहां से भी पढ़ सकते हो, और 3-4 टॉपिक तो हम लोगों ने एक ट्रिक बना करके भी आदित्य सर ने पढ़ा रखी, वहां से भी पढ़ सकते हो, और भी अभी इसके टॉपिक्स की वो कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स और लेके आने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, और वो आप नहीं भी देखो तो भी आप कहीं से भी पढ़ो, केवल आपको टॉपिक बताना हमारी जिम्मेदारी जो मैं पूरी कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मैथ्स की, बात करते हैं मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी एक्स वाई जेड इस तरह की आ सकती है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन आ सकता है, मिक्सिंग ऑफ एलिगेशंस आ सकता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्ड इंडाइसेस आ सकती है, वर्क एंड टाइम के एक जना इतने दिन में करेगा, दो जने कितने दिन में करेंगे इस तरह का आ सकता है, रेल के स्पीड टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेंशुरेशन के अंदर आ जाएगा क्या कौन स्फीयर सिलेंडर, इससे आने की संभावना वैसे कम है फिर भी इसको भी देख लेना एक बार, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। दोस्तों ये टॉपिक्स थे हमारे मैथ्स के, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बस आपको शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स क्या तक की पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आप लोगों को मार्च 2022 से लेकर के एटलीस्ट अक्टूबर 2023 तक पढ़नी चाहिए। अगर आपको मंथ वाइज एक एक मंथ की 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पर्यावरण के क्वेश्चन भी आ गए, उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आ गए, आपको उसके अंदर जो पर्सन प्लेस इस तरह के क्वेश्चंस भी आ गए, बुक्स के क्वेश्चंस भी आ गए, इस तरह के करने हैं तो भी उस कोर्स के अंदर दे रखा मैंने बनाई पर्सनली, वो चीज भी देख सकते हो आप। कंटेंट जो है वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर डेली का अगर एक मंथ भी करो तो भी अभी टाइम है, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अलावा आपको मैंने एक दृष्टि आईएएस की 2 PDF मैंने शेयर करी थी आप लोगों को, किसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर,
अगर वो वाली जो पीडीएफ है आप चाहते हो कि मैं उसका एक बार पूरी पीडीएफ का डिसेक्शन कर दूं, तो मुझे जितने ज्यादा कमेंट मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे अगर 10 से 20 लोगों ने अगर कमेंट कर दिया कि हाँ सर उसको पढ़ाओ आप, तो मैं आप लोगों के लिए वो पूरी की पूरी पीडीएफ 2022 और 2023 दोनों की ही, दोनों पीडीएफ का मैं एक बार का डिसेक्शन आपके सामने कर दूंगा और आपको वो पूरी की पूरी पीडीएफ जो है पढ़ा सकता हूं अगर मुझे 10 से 20 कमेंट्स आते हैं कि सर पढ़ाओ तो। ठीक है, इतना काम मैं कर सकता हूं, बाकी काम भैया आपको ही करना है। तो ये चीजें जो थी, ये जो सिलेबस डिस्कशन था वो मैंने आपके सामने किया, कितने फॉर्म्स वगैरह भरे हैं उसकी जानकारी भी हम लोग बहुत ही जल्द लाने वाले हैं कि आपके कितने फॉर्म भरे हैं और कितने कितने कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से फॉर्म भरे हैं उसकी भी जल्दी ही जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।